डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। सो ये बच्चों होने वाला है क्लास 8 का फर्स्ट वीडियो ऑफ बायो। ओके, इससे पहले केमिस्ट्री का ऑलरेडी बन चुका है। कुछ वीडियोस डाली हूँ मैं बच्चों अभी तक, लाइक अपलोड कर रखी हूँ। कुछ वीडियोज अभी तक नहीं आया है, सो वो भी जल्दी आ जाएगा। बहुत बच्चों का तो अभी तक स्कूल लाइक न्यू सेशन स्टार्ट हुआ नहीं है, सो उसमें तो कोई लाइक हड़बड़ी है नहीं अभी, है ना। बट वो धीरे धीरे करके बच्चों समझ जाएगा, सो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। देखो बच्चों, इस चैप्टर में ना हम लोग मेनली पढ़ने वाले हैं अबाउट प्लांट्स। ओके, जैसे कि अगर मैं ह्यूमन बॉडी को कंसिडर करूं, हम लोगों को जिंदा रहने के लिए फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए बच्चों जिंदा रहने के लिए। अब हाँ, पेड़ खाना बनाता है और खाता भी है, यस, जैसे कि हम खाना बना के खाते हैं ना, वैसे प्लांट्स जो होते हैं वो लोग तो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, और वो जो खाना वो लोग प्रिपेयर करते हैं उसको वो लोग यूज भी करते हैं, यस, उसको वो लोग यूज भी करते हैं अपने बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जैसे हम पानी पीते हैं तो हमारा तो माउथ है पानी पीने के लिए, वैसे ही देखो बच्चों प्लांट्स जो होते हैं वो भी पानी पीते हैं, बट उनका माउथ नहीं होता। प्लांट्स जो होते हैं वो लोग वाटर कंज्यूम करते हैं थ्रू देयर रूट्स, अपने जड़ से, ठीक है। वाटर को प्लांट्स जड़ से कंज्यूम करता है। साथ में आया मिनरल्स, तो ये जो मिनरल्स होता है जैसे कि कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब ना पानी में घुला हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग ऊपर से जो फर्टिलाइजर डालते हैं उसमें मिनरल्स होते हैं, सो वो लोग पानी में घुल जाते हैं, और पानी के साथ ही मिनरल्स पेड़ के अंदर में थ्रू रूट चला जाता है। सो फूड, वाटर, मिनरल्स, ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा गया है। फूड, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर थ्रू अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यस, प्लांट के बॉडी में ना एक बहुत ही स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, एकदम पाइप जैसा कनेक्शन है, बहुत ही अलग टाइप का सिस्टम होता है बच्चों। उसी सिस्टम के थ्रू, उसी पाइप एंड ऑल द ट्यूब्स, वो जितने भी ट्यूब्स या पाइप्स जो भी होते हैं, उन्हीं के थ्रू, वही ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू प्लांट के बॉडी के अंदर में वाटर, फूड एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होता है। अभी आप लोग सोचो, जैसे कि एक बहुत बड़ा प्लांट है। अब देखो बच्चों, हायर प्लांट्स जो होते हैं ना, हायर प्लांट्स वर्ड यूज होता है, टॉल प्लांट्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब हायर प्लांट्स में आपका बनाना, सॉरी, हायर प्लांट्स में आपका बनियन ट्री आ गया, आपका पीपल आ गया, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। छोटे मोटे मैं श्रब्स का और ये सब का बात नहीं कर रही, हर्ब्स का बात नहीं कर रही, मेनली मैं टॉल ट्रीज का बात कर रही हूँ मेनली। ओके, पाइन ट्री हो गया। अब ये तो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अब इनमें एक, मतलब इतने बड़े होते हैं, ये एक पत्ता इधर होगा, दूसरा इधर होगा, मीन्स यहाँ पर भी एकदम अच्छे से वेल डेवलप्ड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ बना हुआ रहता है बच्चों, एकदम अंदर में पाइप पाइप का ऐसे कनेक्शन रहता है। अब हम जो घर में पाइप यूज करते हैं वैसा पाइप नहीं होता, डिफरेंट टाइप का सिस्टम होता है, ठीक है। एंड वही पाइप वाइप जो भी सिस्टम रहता है, ट्यूब्स होते हैं, वही पेड़ के अंदर में वाटर हो गया, लाइक जैसे कि जड़ है, जड़ से सोचो, यहाँ पानी, यहाँ मिट्टी से पानी जड़ लेके पेड़ का सपोज इस एंड में पहुंचाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए कुछ तो होना चाहिए अंदर में, तो वही होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मिनरल्स भी, मतलब वो अलग अलग टाइप से सिस्टम होता है जिसके थ्रू प्लांट्स के अंदर में एक एंड से दूसरे एंड में, एक कोना से दूसरे कोने में क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर एंड मिनरल्स। फूड भी ट्रांसफर होता है, कैसे होता है, देखो फूड तो स्पेशली बच्चों लीव्स बनाता है, कौन बनाता है, लीव्स बनाता है, तो लीव्स में जो खाना बनता है ना, वहां से भी सिस्टम होता है पाइप का, वो क्या करता है, एक पत्ते से पेड़ का जो भी जगह में लाइक खाना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वहां पर पहुंचाता है। तो ये सब चीज का ट्रांसपोर्ट के लिए ना एक बहुत ही स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स में रहता है। अब जो हायर प्लांट्स होता है, आप लोग खुद देखो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है हायर प्लांट्स का, जैसे पाइन हो गया, नीम हो गया, मैंगो, ओक, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपके बुक में और भी डिफरेंट डिफरेंट नाम दिया होगा। तो जो हायर प्लांट्स होते हैं ना, उनमें ये पाइप वाला ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ा दिया रहता है, वो बहुत अच्छे तरीके से वो लोग ये सबको ट्रांसफर करवाते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, इसको एक्चुअल में हम एक नाम से बुलाते हैं, दैट इज वस्क्युलर सिस्टम। क्या बोलते हैं, वस्क्युलर सिस्टम। ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है ना, जो कि पाइप, वाटर, सॉरी, जो कि खाना, पानी एंड फूड को, मिनरल्स को, जो पेड़ के अंदर में यहां से वहां पहुंचाता है, वो सिस्टम को एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड वस्क्युलर सिस्टम, वस्क्युलर सिस्टम। और वस्क्युलर सिस्टम के अंदर में ना बच्चों दो चीज आया जाता है, हमेशा आप लोग याद रखना, कभी भी आप लोग ये वर्ड सुने वस्क्युलर सिस्टम या वस्क्युलर टिश्यू, जो भी ये वस्क्युलर वर्ड आ गया प्लांट से रिलेटेड, तो इसका मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम,
जाइलम एंड फ्लोएम, ये दो वर्ड तो आप लोगों को याद रखना है। वस्क्यूलर का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट में बहुत ही बढ़िया वस्क्यूलर सिस्टम फिट रहता है जो हायर प्लांट्स होते हैं। पाइप पाइप का जो कनेक्शन होता है बहुत अच्छे से सेट होता है बच्चों, सो दैट प्लांट्स में बहुत अच्छे से ना वाटर मिनरल्स फूड ट्रांसफर हो जाए, ओके ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफर हो जाए। और वस्क्यूलर सिस्टम में ये दो चीज आते हैं, दो पाइप जैसे हैं बच्चों, जाइलम एंड फ्लोएम। जैसे हम घर में अलग अलग टाइप का पाइप यूज करते हैं ना, वैसे ही प्लांट के अंदर में ना दो अलग अलग टाइप के पाइप होते हैं, एक हो गया जाइलम एक हो गया फ्लोएम। अच्छा जाइलम का काम क्या है पता है? जाइलम का काम है कि ये वाटर को इधर से उधर पेड़ में ट्रांसफर करवाएगा। यस, जाइलम का क्या काम है? वो वाटर को, वाटर तो जड़ से जाता है, रूट से जाता है, तो जाइलम क्या करवाएगा? वाटर को जड़ से लेकर पेड़ का जो भी कोना में पानी चाहिए कौन लेके जाएगा? जाइलम लेके जाएगा। और ऐसा नहीं है कि पेड़ में कहीं एक ही पाइप होगा, एक ही जाइलम होगा, नो, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और जो फ्लोएम है, जो मैं यहाँ पर फ्लोएम बताई, ओके, ये जो फ्लोएम है, फ्लोएम फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है। पत्ता जब खाना बनाता है ना, अब एक पत्ता में खाना बना, अब ये खाना सपोज ये वाला जो फूड है, सपोज इसका कुछ पार्ट इधर चाहिए, तो यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए फ्लोएम एक पाइप होता है, वो हेल्प करता है। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, पत्ता को बोलता है यू गिव मी योर फूड, मैं यहां से लेकर यहां तक आपका खाना पहुंचा देता हूं। तो इन दोनों एक टाइप के पाइप जैसे ही हैं। जाइलम का काम होता है वो वाटर को कंडक्ट करवाता है। अब वाटर के साथ साथ तो मिनरल्स भी चले जाते हैं, तो वाटर एंड मिनरल्स दोनों को एक कोना से दूसरे कोना में पहुंचाता है। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को वो कंडक्ट करवाता है, वो फूड जो कि मेनली लीव्स में बनते हैं, ठीक है, जहां भी बने बट लिप्स में बनता है, इसलिए मैं लिप्स का बात कर रही हूं, लिप्स में ही बनता है बच्चों, ठीक है, ओके। अब यहां क्या लिखा है देखा जाए, अच्छा, सो वस्क्यूलर सिस्टम, वस्क्यूलर सिस्टम में क्या आएगा? जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। अच्छा, अब ये जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं ये कहां से कहां तक रहते हैं पेड़ में? तो बच्चों ये जड़ से लेकर पत्ते का टिप तक, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, जड़ से लेकर फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट टू द टिप ऑफ लीव्स, मतलब ये हर जगह रहते हैं, टॉप ऑफ ली या टिप ऑफ ली, वॉट एवर। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रिमिटिव प्लांट्स का, जो एकदम पहले पहले टाइप के जो प्लांट्स है, लाइक जो एकदम वेल डेवलप्ड नहीं है, जैसे कि मॉसेस हो गया, फर्न्स हो गया, वो जो एक मॉसेस का देखो मैं यहाँ पर दे रही हूँ फोटो, एक काई भी होता है, हम लोग यहाँ काई बोलते हैं, जो कि बहुत स्लीपरी होता है, मेनली रेनी सीजन में ना डेवलप हो जाता है वो सीमेंटेड एरिया के ऊपर में, और जैसे कि फ्लोर में भी, तो बहुत फिसलन हो जाता है, ठीक है, तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। फर्न्स हो गया, ये जो फर्न्स होता है, ये कुआं जो होता है बच्चों, वेल, उसके अंदर अंदर में देखना साइड साइड में ना वो पेड़ उग जाता है, उसका पत्ता इस टाइप से रहता है फर्न्स का, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा, उसका पत्ता ना थोड़ा इस टाइप से रहता है, और इसके पीछे पीछे में ऐसे स्पोर्ट्स जैसे डॉट 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 करके इस टाइप से रहते हैं, मैं प्रॉपर नहीं बना पा रही हूँ, बट इसी टाइप से रहता है शायद। मैं यहाँ पर दे दूंगी डायग्राम, आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर दे दूंगी फोटो, आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोग बेटर समझोगे, ओके। सो जो प्रिमिटिव प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मॉसेस हो गए, फर्न्स हो गए, इनमें ऐसे प्रॉपर कोई वस्क्यूलर सिस्टम नहीं होता एक्चुअली बच्चों। ये जो मॉसेस है, ये कोई पर्टिकुलर टाइप का प्लांट है भी नहीं, प्लांट कैटेगरी में आएगा, बट ऐसा प्लांट नहीं है कि उसका प्रॉपर उसमें फल उगते होंगे, उसका प्रॉपर लीव्स होगा, वैसा इनमें नहीं होता। आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे शायद इसके बारे में, अगर नहीं पढ़े होंगे तो देखेंगे बायो में, इस बार अगर आप लोगों का होगा तो मैं पढ़ा दूंगी, है ना, क्योंकि प्लांट्स का भी अलग अलग कैटेगरी होता है, आपको पता होना चाहिए, बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं प्लांट्स, ठीक है। सो हायर प्लांट्स में आप लोगों को याद रखना है कि वेल डेवलप्ड वस्क्यूलर सिस्टम पाया जाएगा, लाइक जाइलम फ्लोएम एकदम तगड़ा सिस्टम रहता है जिसमें वाटर मिनरल्स फूड सब ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन ये छोटे मोटे जो मॉसेस फर्न्स होते हैं ना, इनमें ऐसा कोई सिस्टम ढंग का पाया जाता नहीं है, एकदम नॉर्मल रहता है, ठीक है। अभी जाइलम एंड फ्लोएम, तो जाइलम एंड फ्लोएम ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे क्लास, प्रीवियस क्लास में, है ना, बट अभी थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा शायद, उतना ज्यादा भी नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं, ओके। सो जाइलम एंड फ्लोएम, सबसे पहले बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम नाम सुने, मतलब ये कौन सा सिस्टम है? वस्क्यूलर सिस्टम। तो जाइलम एंड फ्लोएम किस में आता है? वस्क्यूलर सिस्टम में आता है। एंड ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम पेड़ में जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें टिप ऑफ द रूट से लेकर पूरे पत्तों तक पाया जाता है, और यही सिस्टम की वजह से प्लांट में बहुत अच्छे तरीके से वाटर फूड एंड मिनरल्स का कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का काम क्या है? तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जाइलम जो है वो वाटर कंडक्ट करता है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि पानी में तो मिनरल्स घुले हुए होंगे, है ना, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करवाता है वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड्स। अब ये इंपॉर्टेंट है,
किधर, कौन सी डायरेक्शन में? अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ, कहाँ से? रूट से टू द टिप ऑफ द प्लांट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान से देखिएगा। सपोज ये एक प्लांट है, ओके अब ये हो गया इसका जड़, ऐसा जड़, ओके अभी रूट से ना बच्चों जाइलम स्टार्ट हो जाता है, रूट से, जड़ से। तो जाइलम क्या करता है, अब रूट क्या करता है, यहां से वाटर को अपने अंदर लेगा। अब पेड़ रूट से ही पानी पीता है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पेड़ क्या करता है ना, रूट से ऐसे पानी को पीता है, तो पानी को अंदर लेके जाता है, तो जाइलम पानी को पकड़ लेता है। यस, जाइलम ही लेके जाएगा और कोई लेके नहीं जाएगा, जाइलम ही पानी को लेके पेड़ के ऊपर ऊपर तक पहुंचाएगा। इसको तो आप लोगों को याद ही रखना है, ओके। तो जाइलम का काम क्या होता है, वाटर एंड मिनरल्स को जड़ से, रूट से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है, कहीं भी पहुंचाए लेकिन रूट से ही वो स्टार्ट करेगा पेड़ का अलग अलग कोने में पानी पहुंचाना। और इसका एक डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि ये वन डायरेक्शन में काम करता है कि दो डायरेक्शन होता है। तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर है वन डायरेक्शन या फिर यूनि डायरेक्शन। ये इसलिए बोला गया है ना, बिकॉज ये नीचे से ऊपर की तरफ काम कर रहा है, ये क्वेश्चन आता है। अभी आप लोग बोलोगे मैडम आप यहाँ पर बताए ऐसे ऐसे इस टाइप से अलग अलग डायरेक्शन में, ये वैसा डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा है बच्चों, मतलब नीचे से ऊपर, जड़ से लेकर पेड़ का अलग अलग कोना, मैं ऐसे नीचे से ऊपर का बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जाइलम जो होता है वो फ्रॉम रूट, रूट से वो पेड़ का अपर पार्ट्स में रूट क्या बोलते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाएगा। तो इफ क्वेश्चन आता है कि वन डायरेक्शन है कि दो डायरेक्शन है कि मल्टी डायरेक्शन है, तो आप लोगों को यह वन डायरेक्शन वाला आंसर चूज करना है। अब बात करते हैं फ्लोएम का। तो फ्लोएम मेनली जहां खाना बनता है, सपोज पत्ते में, सपोज क्या, पत्ता ही तो खाना बनाता है ना, सो पत्तों में वो प्रेजेंट होता है। यहां से फ्लोएम क्या करता है, यहां खाना बना, यहां से ये पेड़ का ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो ये मल्टी डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगा फ्लोएम, खाना वाना को लेके जाएगा। लेकिन जाइलम क्या करता था, एक ही डायरेक्शन में, ये आएगा एग्जाम में। अगर आप लोग के बुक में कुछ डायरेक्शन से रिलेटेड लिखा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वर्ड्स क्या यूज किया गया है, ठीक है, बिकॉज यहां पर तो उस टाइप से तो नहीं था। एक बार आप लोग मुझे बताइएगा कि आपके बुक में क्या दिया गया है। ओके, सो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। फ्लोएम क्या करता है, फूड को, ये इंपॉर्टेंट है, किसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, फूड को, कहाँ से, पत्ते से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। लेकिन जाइलम वाटर मिनरल्स को अपवर्ड, कहाँ से, रूट से टू द टिप ऑफ द प्लांट। अब टिप ऑफ द प्लांट में वो कहीं भी जा सकता है, लेकिन जड़ इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। हाँ, अब ये जो पार्ट आ गया थोड़ा रट्टेबाज वाला पार्ट है, थोड़ा सा तो मारना पड़ेगा, है ना, नाम हम तो मारना पड़ेगा। देख लो बायो में थोड़ा बहुत तो रट्टा मारना ही पड़ता है, हम लोग भी मारे थे, आप लोग भी मारो। ओके, अब सबसे पहले थोड़ा बहुत हम लोग जाइलम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, दिया है तो करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, सो बच्चों अगेन जाइलम के लिए फिर से थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि जाइलम क्या है, वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू है। इट वर्क्स इन वन डायरेक्शन, ये तो मैं अपने मन से लिखी थी, इट वर्क्स इन वन डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में काम करता है, एक ही डायरेक्शन में काम करता है। अच्छा, जाइलम में ना बहुत सारे सेल्स होते हैं, यस, जाइलम कोई एक पाइप नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग 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 टाइप के ना क्या बोलते हैं, सिस्टम रहते हैं अंदर में, ठीक है, सेटिंग रहता है। तो जाइलम में ना लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों टाइप के सेल होते हैं, कुछ कुछ होते हैं लिविंग, कुछ होते हैं नॉन लिविंग। अब इसकी जो सेल्स है उनका नाम भी पढ़ लेते हैं हम लोग। तो चार टाइप के कॉम्पोनेंट या सेल्स होते हैं, याद रखना है बच्चों, ये एग्जाम में आता है, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में दे दिया जाता है, एटलीस्ट 3 मार्क तक तो आ ही जाता है। लाइक जाइलम वेजल, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये चार टाइप के सेल्स होते हैं, कॉम्पोनेंट्स होते हैं जाइलम के, जाइलम वेजल्स, ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा, नाम अच्छे से याद रखना है, ओके। अब सबसे पहले ना देखो, मुझे नहीं लगता है कि इतना डिटेल में जाना है, क्योंकि आप लोगों के बुक में भी उतना डिटेल में नहीं दिया है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में क्लास 9 में है, खूब डिटेल में, तो वहां पर आप लोग बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। अभी एकदम लिमिटेड है तो कोर्स के हिसाब से चलते हैं हम लोग, है ना। तो जाइलम वेजल्स एंड ट्रैकेट्स, ये जो जाइलम वेजल्स एंड ट्रैकेट्स यहाँ पर दिख रहा है ना, ये जाइलम के ना सबसे मेन सेल होते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो मेन कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, किसके कॉम्पोनेंट होते हैं जाइलम के। अच्छा, जाइलम वेजल्स जो होता है, आप लोग बच्चों, मैं यहाँ पर डायग्राम इसका नहीं बनाई हूँ, बट आप लोग अपने बुक्स में देख सकते हो, आप लोगों की बुक में, या फिर मैं साइड में यहाँ पर फोटो दे दे रही हूँ, आप लोग उसको भी देख सकते हो, बट बुक में देखो आप लोगों को अगर ज्यादा बेटर समझ में आ रहा है, या फिर जहां भी आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोग वहां देखो, ठीक है। अच्छा,
सो जाइलम वेजल जो होता है वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल होता है, ऐसे लंबा लंबा सेल होता है, वो लंबा लॉन्ग सिलिंड्रिकल सेल होता है, जॉइंट फ्रॉम एंड टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। मतलब वो जो ट्यूब्स होते हैं, ये लोग सेल होते हैं, वो लोग एक के साथ एक लग लग के होते हैं, लंबे से ट्यूब जैसे वो लोग कनेक्शन रहते हैं, लाइक एक पाइप दूसरा पाइप से कनेक्ट है वैसा होता है ना। तो जाइलम वेसल्स वैसे लंबे से सिलिंड्रिकल सेल होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होकर रहते हैं और लंबा सा ट्यूब जैसे वो लोग दिखते हैं। इनका जो वॉल होता है, जाइलम वेसल का जो वॉल होता है ना, वो बहुत हार्ड होता है, वो लिग्निन से बना रहता है। लिग्निन एक एक कंपाउंड होता है बच्चों, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि ना हार्डनेस देता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि जाइलम वेसल का वॉल किससे बना हुआ है, सो आंसर क्या होगा, आंसर होगा लिग्निन। लिग्निन का काम क्या है, वो रिजिडिटी, रिजिडिटी एक टाइप का बच्चों हार्डनेस होता है, ठीक है, ये रिजिडिटी एंड सपोर्ट देता है टू प्लांट्स। प्लांट्स जो नॉर्मली जो थोड़ा हार्ड होते हैं ना, अब ऐसे भी नहीं है कि प्लांट्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बट फिर भी जो हार्डनेस होता है प्लांट में वो कौन देता है, लिग्निन देता है, ठीक है। लिग्निन मेक्स द सेल स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। देखो स्टिफ मतलब वही हार्ड का बात किया है, लिग्निन क्या करता है, सेल को, प्लांट का जो सेल होता है उसको थोड़ा स्टिफ बनाता है एंड वहां उनको वो सपोर्ट भी देता है। तो मेन देखोगे तो एक एक टाइप का सपोर्ट दे रहा है प्लांट को, ठीक है, और हार्डनेस भी देता है। देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रैकेट्स का, तो ट्रैकेट्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रैकेट्स बच्चों देखो, ये पता है आपके बुक में ना मेनली ये दो चीज के बारे में ही दिया है, ठीक है। ट्रैकेट्स भी एक टाइप का ट्यूबुलर सेल है, ये भी सेल है ट्यूब जैसा होता है, पर इसके एंड्स टैपरिंग एंड्स होते हैं। अब टैपरिंग एंड्स इस टाइप से होते हैं, इस टाइप से, यहां से पतला, उसी को हम लोग बोलते हैं टैपरिंग एंड्स। ये है टैपरिंग एंड्स। इनका जो सेल वॉल होता है ना, इनका भी सेल वॉल में वो भी ना लिग्निन से बना हुआ रहता है, थिक होता है। सेल वॉल क्या होता है पता है आपको, सबको पता होगा, प्लांट जो सेल होता है उनका सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। तो इनका जो सेल वॉल है वो भी लिग्निन से बना हुआ है। प्लांट में तो भाई लिग्निन ही रहता है ना, प्लांट में तो सेल वॉल रहता ही रहता है कि नहीं। तो लिग्निन जो है वो जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स दोनों में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद अब जो जाइलम वेसल एंड पैरेन्काइमा बच गया है ना, वो भी नीचे फंक्शन में आएगा, तो एक बार हम लोग वहीं पर डायरेक्टली देख लेते हैं। अभी बच्चों यहां पर एक बार फंक्शन है, फंक्शन में ही इंक्लूड कर दिया, तो एक बार फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ओके। सो जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स ये जो दो है, दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल अपवर्ड्स। जाइलम वेसल एंड ट्रैकेट्स ये जो दो है, ये अभी जो हम लोग जिसके बारे में डिस्कस किए जो एकदम लिग्निन से बने हुए हैं, इनका काम क्या होता है ना, ये लोग मेनली जैसे जाइलम काम करता है, बिकॉज जाइलम के तो हिस्सा है ये लोग, इनका भी काम यही होता है कि ये लोग वाटर मिनरल्स को रूट से पेड़ के अपर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करवाने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं जाइलम फाइबर्स के, बिकॉज जाइलम फाइबर भी तो एक टाइप का कॉम्पोनेंट है, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ना, इनका भी जो वॉल होता है बहुत थिक होता है, देखोगे तो ये लोग थिक थिक वॉल वाले ही हैं, एंड ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट को। जाइलम पैरेन्काइमा जो लास्ट है, ये क्या करता है, ये स्टोर करता है क्या, वाटर मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो ये इसका मेन काम है स्टोरेज का, क्या काम है इसका, मेन स्टोरेज का काम है। क्या स्टोर करता है ये, वाटर करता है, मिनरल्स करता है, और क्या करता है ये स्टोर, वाटर मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो बच्चों हम लोग जब जाइलम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो उस समय हम लोग देखे थे ना कि जाइलम में बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल दोनों रहते हैं। तो यहां पर देखोगे ना तो जाइलम में मेनली नॉन लिविंग सेल्स ज्यादा है। इसमें लिविंग सेल का अगर मैं बात करूं तो सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही है जो कि लिविंग सेल है, अदरवाइज ये फाइबर वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ये लोग नॉन लिविंग सेल होते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो इसका लिविंग सेल है, अदरवाइज बाकी जो है वो नॉन लिविंग है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जाइलम जो होता है ना वो मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स, डेड सेल से बना हुआ रहता है। नाउ अभी जाइलम के बाद किसकी बारी आई, फ्लोएम की बारी आई, ओके। तो जाइलम के बाद बच्चों फ्लोएम, सो जाइलम का काम था वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करवाना, फ्लोएम का काम होता है फूड कंडक्ट करवाना। सो फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू, क्या कंडक्ट करवाता है, फूड, और फूड को ये दोनों डायरेक्शन में कंडक्ट करवाएगा, ये भी याद रखना है। अब दोनों का मतलब है ऑल डायरेक्शंस का ही बात हो रहा है, ठीक है, पर आप लोग अपने बुक में देख के मुझे जरूर से बताइएगा। द फोर कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लोएम, अब फ्लोएम के अंदर भी अलग 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 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है, देखते हैं कौन कौन से सेल्स हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगेन चार नाम दिया है, एक होता है सीप ट्यूब, सेकेंड वन इज कंपेनियन सेल, देन फ्लोएम पैरेन्काइमा, एंड लास्ट वन इज फ्लोएम फाइबर।
अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये फ्लैम में जो मैं चार नाम लिखी हूँ, चारों का तो नाम आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इसमें से मैं इसके सामने डेड लिखी हूँ, तो इसका मतलब है कि बाकी तीनों लिविंग रहते हैं। वहां पर एक ही लिविंग था, फ्लैम में एक ही डेड है, ठीक है। तो फ्लैम जो होता है वो ज्यादा लिविंग सेल का बना रहता है, लेकिन जाइलम ज्यादा डेड सेल का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो फ्लैम फाइबर जो होता है वो डेड होता है, और बाकी ये जो तीनों आप लोगों को दिख रहे हैं ये लोग लिविंग है बच्चों। ये लोग क्या है? ये लोग लिविंग है। आता है बच्चों क्वेश्चन? अब सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट सीव ट्यूब। अब सीव ट्यूब आप लोग अपने डायग्राम बुक में लाइक देखो, या फिर यहाँ पर साइड में मैं लगा दे रही हूँ फोटो, आप लोग वो भी देख सकते हो। तो सबसे पहले देखो बच्चों सीव ट्यूब। अब सीव का मतलब एक्चुअल में होता है छन्नी, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे छन्नी, सीव का नाम तो आप लोग सुने होंगे। तो सीव ट्यूब कैसे होते हैं? ये लोग ना लंबे लंबे ट्यूब जैसे सेल होते हैं, विच आर प्लेस्ड एंड टू एंड लाइक ट्यूब्स, एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके ये लोग मतलब ऐसे प्लेस्ड होते हैं, ये लोग लगे से लगे रहते हैं। दे हैव माइन्यूट पोर्स, छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं, छेदा 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 टाइप, जैसे छन्नी में होते हैं ना वैसे। एट द एंड वॉल्स, इनके एंड वॉल्स में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेदा छेदा, इसीलिए हम लोग इनको सीव प्लेट्स बोलते हैं, छन्नी जैसा रहता है। देन जब ये सीव ट्यूब्स जब बनते हैं तो स्टार्टिंग में तो इनमें न्यूक्लियस होता है, बिकॉज सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा। लेकिन जब ये लोग मच्योर होते हैं, जब इनका थोड़ा बड़े हो जाते हैं, ये लोग लाइक मच्योर हो जाते हैं, एट दैट टाइम दे लूज देयर न्यूक्लियस, एंड कुछ ऑर्गेनल्स भी रहते हैं जो कि अब लाइक मच्योरिटी में दे जस्ट लूज देयर ऑर्गेनल्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूँ, क्वेश्चन आता है सीव ट्यूब से रिलेटेड कि फ्लोएम का एक ऐसा कॉम्पोनेंट का नाम बताओ जो कि मच्योरिटी में अपना न्यूक्लियस को लूज कर देता है। न्यूक्लियस से रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, तो हम लोग वहां पर आंसर क्या लिखते हैं? सीव ट्यूब, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है? फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना, है ना। ज्यादा नहीं है, कम कम है, बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा। देन कंपेनियन सेल, तो सीव ट्यूब के बाद आया कंपेनियन सेल। कंपेनियन का मतलब क्या होता है? साथ देना टाइप, साथी, है ना। सो दे आर लोकेटेड ऑन द साइड्स ऑफ द सीव ट्यूब, तो सीव ट्यूब्स के साथ में ही, साइड में ही कंपेनियन सेल होते हैं, ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं? साथ देते हैं सीव ट्यूब का। तो सीव ट्यूब का काम होता है फूड मटेरियल को कंडक्ट करवाना, तो ये लोग क्या करते हैं? सीव ट्यूब को हेल्प करवाते हैं, एंड इनके पास न्यूक्लियस होता है। तो मैं जो जो बोली ना बच्चों यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फ्लोएम पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा के बारे में भी देखो, वहां पढ़े थे ना जाइलम पेरेन्काइमा, यहाँ पर है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये लोग भी सीव ट्यूब के पास होते हैं, बट मेनली ये लोग लीफ वेनलेट्स, पत्ते में जो वेनलेट्स होते हैं ना वहां पाए जाते हैं। इनका काम होता है अगेन खाना वाना को ट्रांसफर करवाना। समटाइम्स ये लोग खाना को स्टोर भी करते हैं। तो अलग अलग फंक्शन इसका मेंशन किया होगा आप लोगों के बुक में, मे भी हो सकता है कुछ डिफरेंट एक्स्ट्रा कुछ फंक्शन ऐड किया होगा, तो आप लोग चाहोगे तो बाकी बच्चों के साथ भी शेयर हो जाए इन्फॉर्मेशन। इफ एक्स्ट्रा किसी का फंक्शन दिया गया है आप लोगों के बुक में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में उस चीज का नाम लिख के फंक्शन को आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। देन फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स बच्चों अगेन ये फाइबर है और ये डेड है, ये क्या करता है ना प्लांट को सपोर्ट देने में मदद करता है, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल, ये एक्चुअल में बने रहते हैं स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। तो बच्चों जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ना वो भी एक टाइप का टिश्यू ही है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है। आप लोग पढ़े होंगे पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा की सपोर्ट देने का काम करता है, डेड टिश्यू होता है ये, ओके। पढ़ोगे, ऑलरेडी पढ़ चुके हो एक्चुअली, देखो मैं इतना डीप नहीं जाऊंगी, बस याद रखना कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं ना वो लोग स्क्लेरेन्काइमा सेल से बने हुए रहते हैं। इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट्स को, प्लांट्स को ये लोग खूब सपोर्ट देते हैं, जरूरी भी है, ओके। अब इसका फंक्शन, अब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोएम का फंक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मेन तो इनका यही काम होता है कि ये लोग फूड ट्रांसपोर्ट करवाते हैं पत्ते से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम पेरेन्काइमा जो होता है ये लोग स्टोरेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। लाइक देखो बच्चों, खाना को ना ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ इसके जो अलग कंपोनेंट्स है ना, कुछ खाना को स्टोर करने में मदद करता है, कुछ होते हैं जो कि सपोर्ट देते हैं, तो मिलजुल के ये लोग काम करते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा काम करते हैं, तो ये भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। देन जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस तो आएगा बच्चों। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे जाइलम फ्लोएम का, जैसे कि आप लोगों को कुछ आइडिया होगा जाइलम के बारे में कि वो तो वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है, वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग, तो आप लोग लिख सकते हो कि इट इज वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू। फ्लोएम के बारे में आप लोगों को पता है कि ये फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, तो आप लोग लिख सकते हो कि इट इज फूड कंडक्टिंग टिश्यू, लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर जाइलम के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं कि ये मेनली डेड सेल से बना हुआ रहता है, चार में से सिर्फ एक ही सेल लिविंग है, और ये मेनली लिविंग से बना हुआ रहता है, चार में से सिर्फ एक ही सेल है जो कि डेड है, वो आप लोग मेंशन कर सकते हो। चाहोगे तो नाम भी मेंशन कर सकते हो। देखो आप लोगों को एग्जैक्ट पॉइंट्स एंड थोड़ा पॉइंट्स को बढ़ाना
है ना। तो बुद्धि लगा के आप लोग आराम से पॉइंट्स को बढ़ा सकते हो, ठीक है। देन जाइलम का, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में, ये पानी को पहुंचाता है। और ये क्या करता है, खाना को पत्ते से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में पहुंचाता है, आराम से कर सकते हो। देन इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर इन वन डायरेक्शन और ये बोथ डायरेक्शन, ये ऐसे लिख सकते हो आप लोग। अब आया एक लास्ट पॉइंट। अभी देखो डायग्राम अगर देखेंगे, अभी थोड़ा और आगे अगर हम लोग चलेंगे तो देखो बच्चों, प्लांट में ना जाइलम एंड फ्लोएम का जो पोजीशन, जो लोकेशन होता है, जाइलम थोड़ा अंदर की तरफ रहता है। मतलब अगर मैं जाइलम एंड फ्लोएम का बात करूं तो जाइलम थोड़ा अंदर की तरफ पाया जाएगा और फ्लोएम थोड़ा सा बाहर बाहर पाया जाता है। तो इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द इनर साइड ऑफ वस्कुलर बंडल। वस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम है, उनमें से जाइलम अंदर की तरफ पाया जाएगा और जो फ्लोएम है वो थोड़ा बाहर की तरफ पाया जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहला पार्ट हम लोग यहीं पर एंड करेंगे बच्चों, क्योंकि चैप्टर एक्चुअली बहुत बड़ा है, फिर इतना बड़ा हो जाएगा कि आप लोग खुद बोलते मैडम इतना लंबा लंबा वीडियोस मत बनाया करो, ठीक है। तो हम लोग यहीं पर बस इसको वाइंड अप करते हैं, ये वीडियो को, ये पार्ट को। सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा बच्चों। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होगा और मैं जो जो आप लोगों को लाइक बोली हूँ वो आप लोग जरूर से काम कीजिएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर करो, ताकि दूसरे बच्चों को भी लाइक हेल्प हो जाए। और मैंने जो जो आपसे पूछा है अबाउट दैट डायरेक्शन, अपवर्ड है या वन डायरेक्शन है या मल्टी डायरेक्शन, जो भी मैंशन है आपके बुक में वो भी आप लोग मैंशन करो कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।